राइस बैग, और नीचे लाइनिंग के लिए हमने पुरानी जीन्स जीन्स की पैंट होती है उसका फैब्रिक हमने यूज़ किया है, और ऊपर वाला जो मेन फैब्रिक है ये भी पुराने लेडीज टॉप का फैब्रिक है, इसे हमने पहले क्विल्ट कर दी। इसका मेजरमेंट मैं बताती हूँ, इसका मेजरमेंट 12x12 इंच का हमें यहाँ सेंटर मार्क करना है। पहले इसे फोल्ड करके हमें यहाँ सेंटर मार्क कर देना है। हमने सेंटर मार्क कर दिया है यहाँ इस पार्ट को, और यहाँ इस पार्ट में हमने सेंटर मार्क कर दिया। अब हमें स्ट्रिप चाहिए, ये टू स्ट्रिप चाहिए हमें 14 इंच की, ये 14 इंच की टू स्ट्रिप चाहिए हमें। अब हमें कौन सा भी पार्ट लेना है, सेंटर से 2.5 इंच पे हमें मार्क कर देना है यहाँ इस साइड, और यहाँ इस साइड भी हमें 2.5 इंच पे मार्क कर देना है, और यहाँ से स्ट्रिप जोड़नी है हमें। सेम उसी पार्ट में भी ऐसा ही कर देना है। हमने स्ट्रिप जोड़ दी यहाँ इस पार्ट में, इस पार्ट में हमने स्ट्रिप जोड़ दी। अब हमें जिप वाला पार्ट तैयार कर देना है। ये हमें जिप चाहिए 15 इंच की, 15 इंच की जिप है। इसके लिए हमें ये 1 क्विल्टर पीस चाहिए 15 इंच का। इसकी लंबाई है 15 इंच और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच, 4.5x15 का हमें 1 क्विल्टर पीस चाहिए। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसे बीच में फोल्ड कर देना है और इसे कट कर लेना है। हमने कट कर दिए टू पार्ट को। अब हमें क्या, ये टू फैब्रिक चाहिए, मेन फैब्रिक 15 इंच बाय 2 इंच का हमें टू फैब्रिक चाहिए, एक यहाँ लगाने के लिए और एक यहाँ लगाने के लिए। हमें पहले ये लगाने इसे इसे उल्टा कर देने, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच करना है, और फोल्ड करके इसे ऊपर हमें पट्टी जोड़ देनी है। यहाँ इसे इस पार्ट में भी ऐसा ही करना है, और बाद में हमें ये स्ट्रिप जोड़ देनी है इसे। हमने जिप जोड़ दी इस पार्ट में। अब हमें और एक पार्ट चाहिए क्विल्ट किया हुआ, इसकी लंबाई है 22 इंच और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच, 22x4.5 का हमें ये और एक क्विल्टर भी चाहिए। अब इसके ऊपर हमें जिप वाला पार्ट लगाना है, इसे उल्टा करके हमें लगाना है, और यहाँ स्टिच करके ऊपर से हमें फोल्ड करके सिलाई करनी है। यहाँ से इस साइड में हमें इसी से ये लगाना है, और ऐसे स्टिच करने के बाद फोल्ड करके ऊपर हमें स्टिच कर देना है। हमने स्टिच कर दिए ये दोनों पार्ट। अब हमें स्टिच लाइन को इसे जोड़ देना है, और यहाँ हमें सेंटर मार्क कर देना है जीप वाले पार्ट को, ऐसे यहाँ इस साइड और इस साइड हमें सेंटर मार्क कर देना है। टू साइड हमने सेंटर मार्क कर दिया है। अब हमें कौन सा बैक पार्ट लेना है, इसे हमें मार्क वाला मार्क कर किया हुआ जो वो है यहाँ लगाना है इसे, और यहाँ हमें राउंड में पूरा इसे स्टिच करना है। और स्टिच करने के बाद ये वाला जो दूसरा पार्ट है ऐसा मेन फैब्रिक वाला नीचे कर देना है, और ऊपर से इसे राउंड में हमें सिलाई कर देनी है।
हमने स्टिच कर दिया ये दोनों पार्ट। अब हमें यहां से खुला करके सीधा कर देना है बैक को। हमारे बैग तैयार हो गई है, राउंड बैग। हम शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ सामान रखने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बैग कैसी लगे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी इसी बैग बना के देखिए, इसे बनाने के लिए बहुत कम समय और बहुत कम कपड़ा लगता है। बना के देखिए एक बार।